दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। और धमकियों भरा खत आना शुरू हो गया है, बहुत सारे मैसेज कॉल भी कल आए थे कि बिहार के ईमानदार मुखिया बनने की कोशिश न कीजिए वरना मुश्किल हो जाएगा। और बहुत सारे तो चैट मैंने यहाँ पर लेके भी आया है, लेकिन उनके नंबर को मैंने हाइड कर दिया है क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि उनको सार्वजनिक करें। इसमें से बहुत सारे कुछ लोग थे जो डीलर थे, कुछ उनके सहयोगी थे और कई के तो मैंने डिटेल भी निकाले। दिक्कत बहुत ज़्यादा है। खैर, इसी बीच मैंने जिनको जो जवाब देना था मैंने उचित जवाब दिया। बहुत लोगों ने हमसे बाद में माफ़ी मांगा, लगभग 4-5 लोगों ने माफ़ी मांगा और लगभग 12-13 लोगों का मेरे पास कल मैसेज आए थे। उनको ये समझ में आ गया, समझदार थे तो उनको समझ में आ गया कि गलतियाँ क्या हो रही है और हम कितना सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे छुपा हुआ नहीं है कोई भी चीज़ें। अभी जो राशन पर हमारा जो एक मुद्दा चल रहा है, तो अभी आप देख लीजिए, एक मैसेज आया था, मैं इसे धमकी नहीं कहूँगा, फिर भी इसमें धमकी छुपा हुआ है। मैं इस मैसेज को पढ़ूँगा, आप लोग को सुनना है। मैसेज आया था कि विपिन सर मुखिया जी एवं उनके सहयोगी जी, आपको बता दें कि पूरे बिहार में PDS डीलर की संख्या करीबन 55,000 है और ये 55,000 डीलर बिना सरकार से 1 रुपया महीना लिए दिन रात एक करके काम करते हैं। उसमें भी प्रखंड आपूर्ति विभाग, गोदाम प्रबंधक, AGM, SDO सारे लोगों का कमीशन तय है कि 1 क्विंटल पे कितना लेना है। उन सबको देने के बाद फिर जिस ट्रक से माल भेजा जाता है वो स्टाफ का चोरी। चोरी इसलिए किया जाता है कि इन लोगों का परिवार इसी चोरी से चलता है। इसके बाद जब माल डीलर के द्वारा द्वार पर पहुँचता है तो उसे अनलोड करने का चार्ज डीलर के द्वार दिया जाता है, माने द्वारा दिया जाता है। आप तो गणित का शिक्षक हैं, अगर इन सारे खर्च को जोड़ दिया जाए तो जो अनाज सरकार 2 रुपया में देती है वो डीलर के हाथ में आते आते 5 रुपया हो गया होता है। इसके बाद एक स्टाफ को रख कर वितरण किया जाता है, उस स्टाफ को डेली 300 रुपया देना पड़ता है। अब आप खुद तय कीजिए कि अगर कोई इंसान काम कर रहा है तो वो 2 पैसा कमाए या नहीं कमाए। अब यहाँ से शुरू होता है धमकी। आप अपने पंचायत का मुखिया जी हैं, आपको तो खुद पता होगा कि एक पशु सेट का टेंडर या इंदिरा आवास का पैसा कितना आता है और कितना जनता तक पहुँचता है। अगर सच में जनता का भलाई चाहते हैं ना, तो जरा अपने से उच्च अधिकारी के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम कीजिए ताकि समाज में एक सही पहचान बने जिससे समाज का भी भलाई हो। और आपका भी अगर आज बिहार में घुसखोरी बंद हो जाए ना, तो आपके तरह पढ़े लिखे लोग मुखिया के लिए दावेदार नहीं होते, क्योंकि आपको भी पता है 5 साल में आंख बंद कर ले तो 5 करोड़ में 2 करोड़ तो घर आ ही जाएगा। अगर सही मायने में RTI कर देना तो सारे लोग का पोल खुल सकती है, मगर इससे आम जनता को क्या है। इसलिए इन छोटे छोटे लोग पर जुल्म करना बंद करें, थोड़ा काम काज पर ध्यान दीजिए। इन्होंने इलेक्शन कमीशन से हमारी पूरा डिटेल निकाला, नंबर निकाला, वहाँ से मुझे मैसेज किया। और अब जान लीजिए, ये जो मैंने मैसेज पढ़ा, सही में एक आम व्यक्ति पढ़ेगा तो उसे भी लगेगा कि भाई बहुत सच है। 55,000 इन्होंने कहा कि तकरीबन डीलर की संख्या जो है 55,000 है, वो 55,000 संख्या है सिर्फ बिहार में। तो अब अगर एक डीलर से घोटाला की मैंने बात आपसे कह दी, अगर एक पंचायत के ही अगर हमारे 1600 परिवार हैं और 5-5 किलो परिवार से ही घोटाला हो रहा है, तो 8 टन अनाज का घोटाला होता है, ये हर महीने होता है। अब 55,000 डीलर हैं, अब इनकी जोड़ लीजिए। दूसरा चीज़, इन्होंने बताया कि हम जो है सो इसी पर काम करते हैं, चोरी कर कर के ही, जैसे गाड़ी से चला तो बीच में चोरी किया, उसका परिवार चला, मतलब परिवार चलाने के लिए चोरी किया जा रहा है। उसके बाद इनके यहाँ जो है रेट 2 रुपया से 5 रुपया हो जाता है, इसीलिए लोगों से बढ़ाकर पैसा लेते हैं और अनाज कम देते हैं। जबकि इन्होंने ये नहीं बताया, ठीक है सरकार डीलर को वेतन नहीं देती है, लेकिन सरकार जो तय की है, हर स्टेट का अलग अलग है, प्रति किलो 75 से 80 पैसा प्रति किलो डीलर को दिया जाता है कमीशन। ये कमीशन बेस सिस्टम है, तो 75 से 80 पैसा दिया जाता है। और इस तरह से इनकी सैलरी जो हो जाती है दोस्तों,
30,000 रुपया से लेकर ये 45,000 रुपया तक पहुंचता है। ये औसतन डीलरों की कमीशन से ये सैलरी हो जाती है। लेकिन अगर इतना करने के बाद भी पेट नहीं भरता है लोगों का, तो फिर जिंदगी में आपको कुछ भी हासिल हो जाएगा, आपका कभी भी पेट नहीं भरेगा। और संतोष ना बहुत बड़ा चीज है, पैसे से कभी सुख नहीं हुआ। आप जो सोच लेंगे कि आपके पास बहुत पैसे हो जाएंगे तभी सुख मिलेगा आपको, आपको ये पता है कि आप निवाला किसका छीनते हैं? आपको बताते हैं, आपको हम बताते हैं कि आप निवाला किसका छीनते हैं यहाँ पर। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आप जो ये कहते हैं ना कि जब तक घोटाला नहीं होगा, जब तक ये चोरी नहीं होगा तो ये डीलरी नहीं चलेगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, हमारा भी परिवार है, तो जरा सोच के देखिए, आपको ये कहते हुए शर्म आना चाहिए। जिनका निवाला आप मारते हैं ना, इनके शरीर पर ठीक ढंग से कपड़ा भी नहीं होता है। ये वो लोग हैं जो इसको खाते हैं ना। और ये देख लीजिए, ये देख सकते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको आज भी इस देश में दो वक्त की रोटी ठीक से नसीब नहीं होती है, ऐसे भी लोग हैं। और इनका इनका हक मार के आप चाहते हैं कि सुखी हो जाना, आप चाहते हैं कि आप बहुत तरक्की कर जाएंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अरे ये सब झूठ मूठ का है, काहे इस चक्कर में पड़े हुए हैं। कम से कम जिस व्यक्ति का जो हक है उसे जाने दीजिए। और हाँ, आप अगर संतोष से रहेंगे, जितना कमाएंगे ना उसी में बहुत आराम से सुकून की ज़िंदगी आप जी पाएंगे। और अंत में हम एक बात आप लोगों को कहना चाहेंगे, जो लोग हमें धमकी दे रहे हैं ना, जो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, आप पूरी ताकत लगा लीजिए, जितनी आपके पास क्षमता है, आप हिला नहीं पाइएगा मुझे। मुझे अगर धमकी देते हैं कि ये जाँच होगी, वो जाँच होगी, करा लो कोई जाँच, अति कृपा होगी हम पर, कोई जाँच करा लो, बहुत अच्छी बात है। और हाँ, इस तरह की धमकियों से मैं नहीं डरने वाला हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सब से कहता हूँ कि बदलाव शुरू हो गया है सलाह पंचायत से। अब 5 किलो अनाज भी मिल रहा है और रेट भी कम करके 2 डीलरों का यहाँ पर रद्द होगा लाइसेंस। और जिनको मतलब एकदम अकड़ था कि हम नहीं देंगे, आ क्या कर लीजिएगा, आ कैसे हो जाएगा, हर व्यक्ति चेंजिंग ला सकता है, एक शुरुआत करके तो देखिए। और जो भी अब हैं हमारे यहाँ से अब शुरू है, और हम अपने पूरे प्रखंड क्या पूरे बिहार के लोगों को कहना चाहेंगे, और सभी मुखिया जी से भी कहना चाहेंगे कि भाई अपने अपने यहाँ भी आप शुरू कीजिए और इस तरह का अभियान, और गरीबों को उनका हक दिलवाइए, क्योंकि जनता ने आपको चुना है और जनता के आप प्रतिनिधि हैं, उनको सही हक दिलाना हमारा कर्तव्य बनता है। दोस्तों एक बात और, बहुत सारे फेसबुक पर मेरे नाम से गलत आईडी बना हुआ है, फेसबुक पेज बना हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि कोई आपको गलत जानकारी ना दे दे, इसलिए मैंने खुद का अपना फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि जो भी सही जानकारी हो डायरेक्ट हमसे मिले, क्योंकि तोड़ मरोड़ के कोई कहानी आपके सामने न परोसा जाए, इससे थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। मेरे नाम से मेरा फोटो लगा के लोगों को लगता है कि वो मेरा ही फेसबुक पेज होगा, वो नहीं है। जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर मुझे फॉलो कीजिए फेसबुक पेज पर। धन्यवाद।